हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने लेफ़्ट ओवर रोटी की यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हम पहले रोटियों को रोल करेंगे और इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे इस तरह। जब रोटियों को काट लेते हैं तो आप उनको खोल के चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर वे में कटी है या नहीं। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें जो रोटियों के टुकड़े किए हैं हमने वो उसमें डाल देंगे। बेसिकली हमको इसको डीप फ्राई करना है और दोनों तरफ से रोटियों को क्रिस्पी करना है। आपको गैस का फ्लेम मीडियम से हाई रख सकते हैं, बट आपको इसको ज़्यादा देर तक ऑयल में नहीं रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको हिला सकते हैं और जब वो प्रॉपरली पक फ्राई हो जाती है तब आप उसको निकाल सकते हैं। मैंने इस यहाँ पे इसको पेपर नैपकिन पे रखा है ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल है सारा नैपकिन में चला जाए। जब भी हम रोटियों को फ्राई करते हैं तो रोटियों के छोटे टुकड़े पैन में रह जाते हैं जो कि जल जाते हैं, और अगर आप उसको नहीं निकालते हैं तो वो जल जाते हैं। तो आप पहले उसको निकाल लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में रोटियां तलने के लिए डालें। अब हम सेकंड राउंड में रोटियां डालेंगे तलने के लिए। इस तरीके से आपके पास जितनी रोटी है वो सब आप तल सकते हैं। जब सारी रोटियां फ्राई हो जाती है तब आप एक पैन में ऑयल लेके उसमें जीरा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको फ्राई कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और फिर हम उसमें ग्रीन चिली डालेंगे। अब हमको इनको हिलाना है और थोड़ी देर तक पकने देना है। ध्यान रखिए हमको प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा उसका स्लाइटली कलर चेंज हो, पिंकिश कलर हो तब तक ही पकाना है। उसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड कैप्सिकम डाला है। इसमें हम सब्जियों को हाफ कुक रखेंगे, पूरी तरह से कुक नहीं करेंगे, बस जब तक हाफ कुक होती है तब तक उनको पकाना है।
अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट, ये सब डाल के पहले हम इसको हिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सॉस डालेंगे और केचप डालेंगे। ये मैं यहाँ पे इसमें केचप डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें स्वीट एंड चिली सॉस डालेंगे। अब हम इसको पकाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें सब्जियां हमको ओवर कुक नहीं करनी है, इसमें सिर्फ हाफ कुक करनी है। उसके बाद हम इसमें बची हुई रोटियां जो फ्राई की थी वो डालेंगे। वो डाल के आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला उन रोटियों में मिक्स हो सके। यहाँ पे मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ मिक्स करने के लिए। अगर आप एक के साथ कंफर्टेबल हो तो आप 1 चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अगर आप इसको गरम गरम खाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू।